वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस। आज है हमारा यहाँ पर चौथा दिन और आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मेकअप, मेकअप का शौक किस लड़की को नहीं होता। अगर कोई बोले कि यू नो लेस इज मोर, मैं कम मेकअप करती हूँ, तो भी एक मेकअप किट उनके पास पाई जाती है। और अगर कोई बोले कि नहीं, मेरा तो दिन स्टार्ट नहीं होता जब तक वो कपड़ों की मैचिंग और फुल आईज और फुल लिप्स पूरा मेकअप होना चाहिए, तब भी एक मेकअप पैलेट होती है। हमने ओवर द पीरियड ये देखा है कि पहले एक ज़माना होता था, याद है, जो एक पूरी पूरी मेकअप किट होती थी। आई थिंक हर कोई उससे रिलेट कर सकता है कि उसमें डिफरेंट फ्लोर्स होते थे और उसमें बहुत सारे कलर्स होते थे और वो बच्चे इस्तेमाल करते थे। लेकिन बच्चे इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि हमारी मदर्स इस्तेमाल करती थी। वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी कि वो यहाँ से खुल रही है और वो वहाँ से खुल रही है। फिर उसके बाद इतनी चीज़ें आने लगी कि मेकअप किट जब मैंने किसी की भी देखी तो वो एक कम से कम इतनी बड़ी मेकअप किट होती है जिसमें कोई बेस है, जिसमें हज़ार किस्म की यू नो चीज़ें। फिर ऑफ कोर्स ज़माने के साथ साथ, ज़माने की डिमांड के साथ साथ, हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर आप काम करती हैं करते हैं और आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो इतना बड़ा बॉक्स, अनलेस आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेके निकलना फीजिबल नहीं है। फिर नबीला ने निकाला ज़ीरो मेकअप पैलेट, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली एक पैलेट में 5 चीज़ें हैं एंड यू आर गुड टू गो। ऑन द गो अगर आप हैं तो उसी में कंसीलर भी है, उसी में बेस भी है, उसी में ब्लश भी है, उसी में लिप टिंट भी है, उसी में उस मेकअप को पैक करने के लिए कॉम्पैक्ट भी है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैं नबीला से और जानूंगी, हर स्किन टाइप के लिए है, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वो ज़ीरो मेकअप लुक के साथ भी आप प्यारे लग सकते हैं। हम जानेंगे हमारी यू नो मेकअप गुरु, हेयर गुरु, द फेमस ब्रिलियंट नबीला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं नबीला? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा नबीला, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जीरो मेकअप पैलेट की अगर हम बात करें तो आपके माइंड में कब आया कि ये एक जरूरत है, दैट समथिंग हैज टू बी यू नो इन योर हैंड, कि बस उसमें ही आप जो है वो सारा मेकअप कर लें? लंबी स्टोरी है। मेरे जो हैं बचपन से डार्क सर्कल्स हैं। आई रिमेम्बर 11 साल की मैं थी तो अम्मी के साथ, स्किन स्पेशलिस्ट के साथ जाती थी तो वो कहते थे रेस्ट करो, पानी पियो, डाइट सही करो, और 11 साल की बच्ची को क्या टेंशन होगा यू नो, और वो सही होते ही नहीं थे। फिर हम पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गए तो मैंने किसी सुपर मार्केट में कंसीलर देखा, एक कंपनी ने उस टाइम पर बनाया था, तो मैंने तो वो ख़रीद लिया जान की बाजी लगा के कि ये तो मेरा सोल्यूशन है, और लगाया तो बिल्कुल कोई ग्रे हो गई मैं, तो मुझे लगा कि ये तो कंसीलर भी मेरे पे नहीं चल रहा, अब क्या होगा। दैट्स हाउ आई ग्रीव अप, परमानेंट डार्क सर्कल्स ऑलवेज। अच्छा, अब व्हेन आई स्टार्टेड यू नो ग्रोइंग अप एंड डूइंग माय ओन मेकअप थोड़ा बहुत, तो आई रियलाइज कि मेरे डार्क सर्कल्स जो हैं ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। कोई दवाई, कोई इलाज, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब सोल्यूशन ये है कि उसको छुपा लो। छुपाने के लिए वो कंसीलर उस वक्त तक, आई एम टॉकिंग अबाउट दी 80s 90s, वो बना ही नहीं है जो हमारे स्किन को केटर करेगा। यू नो कि साउथ एशियन स्किन की पिगमेंटेशन अलग है, साइकी अलग है, हमारी डे लाइट अलग है, हमारी स्किन जिस तरह से रिएक्ट करती है वो अलग है, हमारा टेम्परेचर अलग है, तो उसके लिए जो चीज़ है वो नहीं बनी थी। सो आई मिक्स समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 15 years ago, और मैंने अपना खुद के, बल्कि 20 साल मैंने अपने जब डार्क सर्कल्स पे लगाया वो छुप गया, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए मिक्स करती थी, और छोटी सी एक डबिया होती थी जिसके अंदर मैं रखती थी। तकरीबन 17-18 साल पहले हम ट्रैवल कर रहे थे तो वो डब्बी मेरी घूम गई एंड माई सिस्टर वॉज विद मी, तो मैंने कहा मेरा तो ख़जाना ही घूम गया, बताओ मैं कैसे करूँ। तो उसके पास एक पुरानी आई शेडो की किट थी जिसमें 4 खाने होते थे, तो उसने कहा मेरे पास ये है, ये चलेगी। मैंने कहा हाँ, इसमें मैं एक कोने में लगा देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने उसी में अपना ब्लश ऑन भी डाल दिया, अपनी लिपस्टिक भी डाल दी, सामने मिरर था, छोटा सा किट है, एंड इट वाज अमेजिंग। और ये तकरीबन 10 साल मैंने अपने पे यूज़ किया, और जब मॉडल्स आती थी, जैसे हमारा काम बहुत रहता है फिल्म का और टीवी का, बैक स्टेज का, मॉडल्स का, क्लाइंट्स का, तो जब वो मेरे तरह कोई प्रॉब्लम केस होता था तो मैं उनको छोटा सा बना के देती थी कि आप भी ले जाएँ। और इसका सबसे मुश्किल पार्ट ये होता था कि कंटेनर मिलना जो घूमे नहीं, आखिर में तो हम फॉइल में डाल के देते थे। सो व्हेन आई रियलाइज कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और ये तो इतना सोल्यूशन है मेरा, मैं उसके बगैर हिल ही नहीं सकती, दैट्स व्हेन आई वेंट टू द बेस्ट लैब इन जर्मनी, वर्क्ड विद देम वेरी क्लोजली एंड डेवलप्ड अ रेंज। सो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गुड स्किन, ड्यूई स्किन, नेचुरल लुकिंग स्किन डज नॉट गो आउट ऑफ फैशन। और मेरा जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि देखें,
एक जो गोरे जैसे होते हैं वो समझें कि एक वाइट पेपर है, उसके ऊपर जो उन्होंने लिख दिया वो हमें दिखाई देता है. हमारे जो मुंह पे एक पूरा प्रिंटेड अखबार है वो इसलिए क्योंकि पिगमेंट्स भी हैं, डार्क सर्कल्स भी हैं, एक्ने भी है, हमारी स्किन इवन नहीं होती. बहुत कम लकी लोग हैं नॉर्थ में खास तौर पे कि उनकी बहुत ब्यूटीफुल इवन स्किन होती हैं, लेकिन अक्सर जो है हमारी साउथ में छाइयां वाइयां जरूर होती हैं. तो पहले हम उसको क्लीन करें फिर उसके ऊपर मेकअप लगाएं. तो जो मैंने क्लीन करने के लिए जो डब्बा बनाया उससे इतनी अच्छी स्किन लगती है कि मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ती. वाओ. अच्छा पता है ये मैं नबीला का वो पढ़ भी रही थी जो उनके पीछे पूरा लिखा होता है क्रुएल्टी फ्री एंड यू नो एंड यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ वहाँ पे नहीं हुआ, तो उस पर आपको लिखना चाहिए टेस्टेड ऑन नबीला हरसेल्फ इन माय पॉकेट फॉर 15 इयर्स. ओह यस. एंड यस ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द एथिकल सस्टेनेबल बिजनेस ताकि ये रिसाइकल मटीरियल से बना है. वी आर नाउ कमिंग अप विद रिफिलेबल्स ताकि हम डब्बा फेंके ना और सिर्फ वो. सो वी आर वेरी केयरफुल अबाउट द एनवायरमेंट एंड एनिमल्स एंड क्रुएल्टी फ्री. इट्स ऑल्सो we audit this for labor you know laws ke hamare isme koi forced labor nahi hai, koi child labor nahi hai, so it's a very ethical product. Bilkul. Acha bahut sare log hote hain jinko na aapko convince karna padta hai for environmental friendly ya phir recycle karne ke liye upcycle karne ke liye, to I think usme common sense hi kehti hai ki jab aap apni hi pallet jab inshallah ek time aisa aayega jab fill karwayenge to usme of course thoda sa ek aapko paise bhi thode se aapke bach jate, right? Because absolutely hamara सबका फायदा है. बिल्कुल एब्सोल्युटली. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब भी हम जितने भी लोग मीडिया में हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सिंस हमारा रोज़ का काम होता है मेकअप लगवाना, तो हम जब भी कभी बाहर ट्रैवल करते हैं और वही कि हमने एक बेस ले ली जो कि हमने कहा इन्वेस्ट करेंगे बेस में भाई 20,000, 40,000, 60,000 लेके इतनी महंगी है तो अच्छी होगी, लेकिन वो बेस वहाँ लग गई, वेदर सही है, चलो चलो सही है. जैसे ही आप पाकिस्तान में लैंड करते हैं ऐसा लगता है जैसे इट्स ऑयल इज ड्रिपिंग ऑफ योर फेस. तो आपने जो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि हमारे वेदर के लिए चेंज होना चाहिए वो क्या क्या ऐसी चीज़ें थी? जैसे मैंने कहा लाइट टेम्परेचर, हमारा लाइफ स्टाइल, हम लोगों के पास बहुत टाइम होता है सुबह को तैयार होने के लिए जो बाहर नहीं होता है. बाहर अक्सर लोग सारा काम अपना खुद करते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो हमें हेल्प होती है दिन के अंदर. इवन इफ़ यू डोंट हैव सर्वेंट्स यू हैव मदर इन लॉ और मदर और समवन टू टेक केयर. फैमिली सिस्टम्स हमारे इतने हैं तो आपके पास टाइम है सुबह को तैयार होने में. लेकिन मेरा ये कहना है या चैलेंज है कि जब इतनी सी चीज़ चाहिए, इसमें मिरर भी है उंगली से आप लगाएं और ब्रश भी है सब कुछ, मतलब स्पंज भी है, तो आपको जब तीसरी चीज़ नहीं चाहिए तो किसने कहा है? आप सुबह को अगर ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के तैयार होना चाहते हैं तो हो जाएं, लेकिन अपने टचअप्स के लिए तो ये ले जा सकते हैं ताकि सारे दिन आप फ्रेश लगें. मैं अक्सर अपना मेकअप जो है वो मीटिंग से पहले लिफ्ट में ट्रैफिक लाइट पे 30 सेकंड में करती हूँ. यहाँ पे भी मुश्किल से मुझे एक मिनट पीछे लगता है क्योंकि एवरीथिंग इज़ रेडी and you just use your fingers and tick 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 and absolutely. That's zero makeup. और पता है हम इस शो पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं women empowerment की भी, तो एक ये golden tip है और golden tip ये है कि अगर आप एक दिन में 10 काम करना चाहते हैं specially अगर उन कामों में socializing required है तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो घंटे घंटे लगाएंगे अपना मेकअप करने के लिए. हम जा रहे हैं ब्रेक पे, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हम यहाँ पर आपको यूज़ करना दिखाएंगे सिखाएंगे जो जीरो मेकअप किट है उसमें कौन कौन सी ऑप्शन है. स्किन टाइप्स का थोड़ा सा कल पूछा था, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप आपके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली कौन सी किट आपको लेनी चाहिए, इसमें से ब्लरिंग पेन किस तरह यूज करेंगे, मॉडल्स हमारे साथ होंगी, सब कुछ होगा. एक छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ जाइए. वेलकम बैक, आ चुके हैं हम वापस नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो में. एक मसला है मुझे लगता है हमारी सोसाइटी का, चाहे वो खाना बनाना हो चाहे वो मेकअप करना हो कोई भी चीज़ हो, जितनी वो कॉम्प्लिकेटेड होती है ना और जितनी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे सामने रखी होती हैं हमें लगता है हाँ ये चीज़ सही है. यानी कि अगर कोई घर पे आया फॉर इंस्टेंस तो 10 चीज़ें बनानी ज़रूरी हैं. अगर मेकअप है तो ज़रूरी है कि आपकी ड्रेसिंग टेबल पर या जहाँ पर भी आप अपना मेकअप रखते हैं वहाँ बहुत सारा है. अगर आप किसी मेकअप शॉप में जाएँ तो ज़रूरी है कि इतने सारे ब्रांड्स हो कि आप पहले परेशान हो जाएँ. बट
यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, जैसे हम हमेशा कहते हैं लेस इज मोर, जब आपके पास कम चीज़ें होती हैं ना, आपकी स्किन के लिए अच्छी होती हैं, आपको दिखाई देती हैं, आपको समझ में आती हैं कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। मैं नबीला से अब रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हम जीरो मेकअप पैलेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे आए हम थोड़ा सा प्रोडक्ट्स भी देखते हैं, समझते हैं। और आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन अगर आप आज खरीदते हैं zeromakeup.com से ये मेकअप पैलेट जो कि है जीरो मेकअप पैलेट, तो इस पे आपको बाकी तमाम चीज़ों की तरह 20% ऑफ तो मिलेगा, लेकिन इसमें आपको ब्लेंडिंग ब्रश भी फ्री मिलेगा इफ़ यू ऑर्डर टुडे। नबीला, यहाँ पे हमें प्लीज़ बताइएगा कि ये जो सारी हमारे पास, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जीरो मेकअप की रेंज से। जी सो मैं अपना कलर आपको बताती हूँ। द वे इट्स डिजाइंड इज के इसके अंदर कंसीलर है, फाउंडेशन है, ब्लश है, लिप्स है, पाउडर है, पफ है और एक मिरर है। सो ऑल यू नीड टू डू इज होल्ड दिस इन योर हैंड एंड थोड़ी बहुत लाइट में भी टिक 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 आपने चार चीज़ें लगाई, उसको आपने ब्लेंड किया हाथ से, उसको आपने सेट किया। इफ़ यू वॉन्ट, पर्सनली आई डोंट लाइक पाउडर सो आई डोंट यूज पाउडर्स, एंड यू आर रेडी। एंड द वे इट्स डिजाइंड इट्स वेरी ब्लेंडेबल, विच मीन्स कि अगर आप घर पे तैयार होके आए हैं और आपने अपनी जो भी फाउंडेशन लगा के सेट करके आए हैं, ये उसके ऊपर आप आराम से उसको रिफ्रेश इससे कर सकते हैं। तो इट ब्लेंड्स विद एनी अदर मेकअप, चाहे वो पाउडर हो, मैट हो, शाइनी हो, ग्लॉसी हो, जैसे भी हो। ओके, अच्छा मुझे ये बताइएगा नबीला, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये वाला जो एसेंसी एक किट है जो कि शेड्स के अकॉर्डिंगली बनाई गई है, लेकिन मैं स्किन टाइप के बारे में पूछना चाहती हूँ कि क्या इसको यूज़ करने से पहले मॉइस्चराइज होना स्किन का ज़रूरी है? देखिए, मॉइस्चराइज होना तो वैसे ही ज़रूरत है, आप यूज़ ना भी करें तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज, लेकिन आपकी जो क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग और ऊपर जो आप अपना SPF लगा रहे हैं कि नहीं, दैट्स अ गिवन। अच्छा, अब इसके जो सिर्फ कलर्स नहीं हैं, ये टेक्स्चर्स भी हैं। दिस इज़ अ लिटिल ड्राई बिकॉज इट्स अ कंसीलर, उसके अंदर आपको कवरेज और ग्रास चाहिए होता है। दिस इज़ मच मोर स्लाइडी एंड लेस लाइक स्लाइड भी करता है, क्रीमी भी है और इसमें कवरेज कम है। दिस गोज ओवर एंड अराउंड द कंसीलर एंड ये ऐसे एरिया पे जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। ये जो है स्लाइटली ड्राई है ताकि अगर आप उसको ब्लश के तौर पे यूज़ करें तो क्वांटिटी कम आए हाथ में। और ये जो है दिस इज़ कंडीशनिंग, नरिशिंग, ताकि ये शेयर भी है और ये आपके लिप्स को कंडीशन भी रखती है। और इसके साथ आपके पास पाउडर है जिसको मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल डस्ट करके और सिर्फ सेटिंग के लिए यूज़ करें। अच्छा, अब इतने सारे टेक्सचर्स हैं और क्योंकि किसी की स्किन एक टाइप की नहीं होती, अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करें। ओके, फॉर इंस्टेंस आपकी स्किन ऑयली है या कुछ पार्ट्स ऑयली हैं और या गर्मियां हैं, आप यू फील स्टिकी, तो आप ये ज़्यादा यूज़ करें और पाउडर ज़्यादा यूज़ करें, मॉइस्चर कम यूज़ करें। अगर विंटर्स हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं यूज़ करती, मैं ये यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे मॉइस्चर चाहिए होता है, पाउडर मैं नहीं यूज़ करती। तो कंसीलर की जगह भी ये यूज़ कर रही होती हैं जी? ओके, सो अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो इसमें मैं मिक्स कर लेती हूँ अगर कोई कवरेज कम हो रही होती है। तो इट रियली हैज़ ऑल द टेक्स्चर, सो यू कैन मिक्स एंड मैच अकॉर्डिंग टू योर स्किन स्किन टेक्स्चर, स्किन टाइप। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे ना ऑब्जर्व कर रही थी, और मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे यू नो स्किन के हिसाब से, हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, जब हम कोई ऐसा कोई कहीं किसी भी ब्रांड का कोई फेमस कोई शेड देखते हैं लिप्स का, तो वो लाइट होता है और वो जो यू नो दूसरी स्किन होती है उन पे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, जब हम लगाते हैं तो लगता है कि वो किसी ने जो है ना पेंट कर दिया लिप्स पे। तो यहाँ पे अगर आप लिप टिंट का शेड देखें, हो सकता है आपको ऐसे शायद देखने में लगे कि यू नो थोड़ा सा डार्क है, लेकिन अगर मैं एक ट्राई करके आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो आपने पकड़ी हुई है इसी का मैं दिखा देती हूँ, कि अगर आप इस तरह से देखें आप कहेंगे कि शायद ये लिप टिंट के हिसाब से थोड़ा डार्क है, बट अंडरस्टैंड हमारे लिप्स का कलर मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो स्मोकिंग ना भी करते हो, थोड़ा सा डार्कर टोन पे होता है, तो वो एटलीस्ट नेचुरल नेचुरल लगे। सो ये जब मर्ज होगा सो ये बिल्कुल एक नेचुरल वाला लुक देगा। मैं इधर एक और चीज़ ऐड करती हूँ कि बिकॉज दीज पिगमेंट्स आर सो सेफ टू यूज़ एनीवेयर ऑन द फेस, तो लेट्स से कि आपने ये स्किन टोन लगाया जो बहुत अच्छा लगता है, इस कलर के जो चेहरे हैं उन पे ये जो है ये बेस्ट न्यूड है, लेकिन समटाइम्स आई फील के बहुत डार्क है तो मैं इसके अंदर वो मिक्स कर लेती हूँ, यू नो दिस इज़ अ लिटिल लाइटर जो ब्लश ऑन है, देखें इससे लाइट है। कभी कभी मैंने अंडरटोन, मुझे ऑरेंज या ब्राउन चाहिए, मैं इसके अंदर ये मिक्स कर लेती हूँ।
सो इसका एक अलग कलर बन गया। सो आप इन्हीं को यूज़ करके इनके साथ काफ़ी सारे कलर्स बना सकते हैं जो न्यूट के जिमरे में रहें। वाओ, दिस इज गोइंग बैक टू द बेसिक्स। जो दबीला में बता रही है, मुझे वो प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स याद आ गए, बट दिस इज सो स्मार्ट कि आपको कोई 6 किस्म की लिप पैलेट्स जो है वो लेके साथ में घूमना नहीं पड़ेगा। कॉलर हमारे साथ है, कॉलर से बात करते हैं। मिसेज इमरान है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिसेज इमरान क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी नबीला से? मेरी उम्र है 55 साल और मेरी स्किन बहुत डल है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपकी स्किन ना बहुत डल है, आंखों के नीचे हल्के भी हैं और थोड़ी सी छाइयां भी हैं। ठीक है, 55 साल मेरी उम्र है। हाँ। और कलर भी काफी डल हो गया है मेरा, पहले ठीक था लेकिन अब डल हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके लिए प्लीज मुझे बताएं। अच्छा देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक चीज़ से पहले कि नबीला आपको मेकअप के बारे में बताएं, देखिए इसमें ना देयर इज़ दिस होलिस्टिक अप्रोच जो हम हमेशा कहते हैं कि गिज़ा सही है और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, लेकिन अगर आपकी स्किन डल है और ऑफकोर्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे उसमें यू नो उसके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, तो उस डलनेस को आप छुपा कैसे सकते हैं? जैसे नबीला ने शुरू में भी कहा था कि डार्क सर्कल्स होना हमें नबीला बड़ा एक कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं वो लोग, जब हम कभी सलोन जाते हैं कहीं यू नो रैंडम ऐसे जाते हैं, लाइक आपके डार्क सर्कल्स भी हैं, आपकी झाइयां भी हैं, ओ बाल कितने, आई एम लाइक तो तभी तो हम आए हैं, दैट वी नीड समथिंग राइट, तो उसको मेकअप से कैसे कवर करें इस पे अगर आप कुछ। जी जी, पहले तो मैं कहूंगी कि आपने बड़े अफसरदगी से बताया कि आपकी उम्र 55 साल है, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल 50 इज द न्यू 30। सो आप बिल्कुल इसको तो भूल जाएं कि उसके वजह से आप कुछ गिव अप करें अपनी लाइफ पे। और जो बाल आपके सॉरी स्किन की बात हो रही है कि फ्रेश क्यों नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि उसकी रेजीम एक आपकी होनी चाहिए, डाइट, हेल्थ, स्लीप, अपनी इमोशनल हेल्थ, इन सब का ख्याल आप रखें और एक अच्छा सा रेजीम चूज़ करें जिसमें अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र, क्लेंज़र, टोनर, इस चीज़ का ख्याल रखें। अभी तो सीरम्स भी बहुत आ गए हैं जो आपको ओवरनाइट स्किन क्लियरिंग में, ब्राइटनिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद अपना ख्याल रखने के बाद फिर ज़ीरो मेकअप की बारी आती है कि जैसे भी अब स्किन है अब उसको यू हैव टू मेक इट लुक गुड। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि आप अपना कलर चूज करें। कलर चूज करने का तरीका हम दोबारा से बताते हैं कि इफ यू सी के ब्लेंडर जो है, मैं आप ही के फेस पे बता कर दें, नो प्रॉब्लम, ब्लेंडर जो है आप जॉ लाइन पे लगाएं और वो दिखाई ना दे, दैट इज योर कलर। और इसको चीट करके हम एक शेड अप या एक शेड डाउन, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी वॉन्ट टू लुक ब्राइटर फेयरर और वी वॉन्ट टू लुक अ लिटिल टैनर, इट्स अप टू यू। सो एक योर रियल कलर, योर ट्रू कलर, वन लाइट एंड वन अप आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने वो कलर यूज़ कर लिया उससे आपके जिधर प्रॉब्लम्स हैं आप उसको छुपाएं, जितना आपने ब्राइट करना है आप ब्राइट करें, यू विल कंट्रोल द वे यू लुक एंड यू विल लुक नेचुरली। जीरो मेकअप का मतलब ही है कि ये दिस इज मेकअप दैट डज नॉट लुक लाइक मेकअप, इट लुक्स लाइक द ब्यूटिफुल यू, द ब्यूटिफुल यू, एब्सोल्युटली। और जैसे नबीला ने कहा एक शेड ऊपर चले जाएं, एक शेड नीचे, बट ये नहीं कि अब आपका जो कलर है वो कैरेमल है, वो सबको ये चाहिए और फिर जो है वो पोर्सलेन चाहिए। पहले लोगों को सिर्फ आइवरी पता होता था बट वो पर्ल पे भी अगर आप जाएंगे तो यू नो फिर आप बोलेंगे ग्रे हो गई स्किन। अच्छा ये भी बताएंगे जो ग्रे हो जाता है, कोई एक खास एरिया ग्रे हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसकी भी यही रीजन होती है? ऑक्सीडाइज जो है वो प्रोडक्ट पे है कि वो क्यों हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह हुए हैं कि नहीं, क्यों ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहिए। लेकिन ग्रे वो जब होते हैं जब आप या तो प्रोडक्ट में वो इंग्रेडिएंट्स और वो पिगमेंट्स नहीं है जो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स को कट करे, एक ये वजह हो सकती है जो प्रॉब्लम प्रोडक्ट में है, और एक ही हो सकती है कि आपने गोरा होने के चक्कर में गलत रंग खरीदा है। ओके, अच्छा जो नबीला एक ले मैन के लिए अगर उनको समझना हो कि ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब होता है, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ आ जाता है ऑक्सीडाइज हो रही है अब क्या करें राइट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ भी नहीं आता समथिंग इज रॉन्ग विद द फेस लेकिन एग्जैक्टली क्या है, तो ऑक्सीडाइज होने को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें हमारी ऑडियंस को तो किस तरह तो उस आपके प्रोडक्ट में जो मॉइस्चर है जिसका मतलब है कि वाटर है वो जब हवा से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका एक रिएक्शन होता है और वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो फाउंडेशन का कलर थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा ग्रे के साइड पे चला जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। सो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करें वो नॉन ऑक्सीडाइज हो। बेसिकली जो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं विच ऑल्सो लुक वेरी नेचुरल डोंट ऑक्सीडाइज। ओके ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी देखना चाहती हूँ, ब्लरिंग पेन हमने कल भी दिखाया था, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लिक्विड फाउंडेशन भी अगर कोई जो है वो लेना चाहता है इस ब्लेंडिंग ब्रश के साथ,
ये जरा बताइएगा। मैं आपको जर्नी बताती हूं। बिल्कुल बताइए। तो पहले हमने जो है ये मेरा कलर था, मैंने अपने लिए ये बनाया। सही। फिर मैं जो है वो काफी टैन होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ब्राउन होना, तो मैं टैन होके ये कलर हो जाती थी, तो फिर मैंने ये बनाया। ठीक है। तो ये पैदाइशी है, ये मेरा फेवरेट कलर है। ओके। और फिर एक कलर होता था जो दोनों के बीच में फेड हो रही होती थी, तो मैंने ये तीसरा बनाया। तो मैंने सैलून भी अपने लिए बनाया, बाल अपने खुद काटने शुरू किए, और ये भी अपने लिए बनाया। तो 15 साल ये मेरे बैग में होते थे कि ये मेरे 3 कलर हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब हमने सोचा कि इसको लॉन्च करें, तो हमने एक और बनाया और मैं समझी कि पूरा ये पाकिस्तान में ये कवर है। ठीक है। लॉन्च के दिन हम मतलब लाहौर में जब गए, तो मैंने देखा जो हमारे नॉर्थ के लोग हैं, रीमा इंक्लूडेड या हमारे जो कश्मीरी ब्लड के लोग हैं, उनका कलर ये डार्क लगा, जबकि मैं समझती थी कि इसे लाइट हो ही नहीं सकता। सो वी हैड टू मेक पोर्सलेन। एंड देन जब हमने ये इंटरनेशनली काम शुरू किया और यू नो साउथ एशियन और भी मुल्कों के साथ काम शुरू किया, देन वी नीडेड के साउथ में जो है एक डार्क कलर भी चाहिए। तो दीज आर द 6 कलर्स दैट वी मेड, और हमने इसका फॉर्मूला आई कीप ऑन इम्प्रूविंग इट वेन एवर आई फील कि अच्छा नहीं, इसका फैशन ख़त्म हो रहा है, ये ज़्यादा शाइनी लग रहा है, ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। सो दिस इज़ द 0 palette range विच इज़ आर बेसिक यू नो बेस्ट सेलर। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ कि सबको ये बहुत पसंद है, ब्लेंडर जिसको हम कहते हैं या फाउंडेशन, एंड उसी फॉर्मूले को हमने लेकर रिसेंटली लॉन्च किया है ये ब्लरिंग पेन और इसको मैंने यूनिसेक्स रखा है। यूनिसेक्स का मतलब है कि लेडीज एंड जेंटलमैन एंड हूएवर इन बिटवीन वांट्स टू यूज इट कैन यूज दिस। ओके। इसकी यूजेज बहुत सिंपल है, ये मैंने डार्क कलर उठा लिया है। और इसमें शेड्स कितने हैं नबीला? इसमें भी 6 हैं, यही 6 शेड हैं। ठीक है, सही है। ओके। सो तकरीबन ये मेरा कलर है, आई कांट रीड कौन सा है, लेकिन बिल्कुल इजीली आपने लगाया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओह वाओ। एंड दिस इज क्विक ड्राई एंड इट्स ट्रांसफर फ्री। सो अगर आपने ऑफिस जाते हुए किसी आदमी ने भी लगाया है और सिर्फ डार्क सर्कल्स पे लगाया है, आई थिंक वी हैव अ मेल मॉडल, वी कैन डेमो लेटर ऑन। हम अभी आपको डेमो करके दिखाएंगे कितना इजीली ये आपने बिल्कुल जिधर प्रॉब्लम है टिक टिक लगाई, वो चाहे वो डार्क सर्कल्स हैं, चाहे वो पिगमेंट है, चाहे वो कोई एक्नी मार्क है, और बिल्कुल डिस्क्रीटली अपने जेब में भी रखा तो कोई समझेगा ये पेन है, तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये हमने मेकअप लगाया है। बट फॉर वेमेन ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल इसके ऊपर वो कंसीलर को मजीद ब्राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव दिस लवली डार्क कलर जिसको कॉन्टूरिंग के लिए, आई थिंक फर्स्ट दिन हमने आपको दिखाया था कि कॉन्टूरिंग के लिए जो डार्क कलर्स हैं, देन वी हैव द लाइटेस्ट कलर जो हाईलाइटिंग के लिए हैं। तो दिस हैज़ बिकम लाइक अ बेस्ट सेलर कंसीलर। ये उसकी जर्नी है जो यहाँ से इंक्रीज करके हम इंक्रीज हमने रेंज की है। ओके। देन दिस ब्लेंडिंग ब्रश को अगर मैं आपको समझाऊँ कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है क्लियर योर क्लटर द फेंग शुई वे, और उसमें बताते हैं कि जो फार ईस्ट है उसमें कम चीज़ों से ज़्यादा काम होता है घर में, और जो बाहर है यूरोप अमेरिका में वो उनको एक छुरी चीज़ के लिए तो एक अंडे के लिए तो एक रोटी के लिए तो एक मच्छी के लिए एक गोश्त के लिए, ईस्ट में एक छुरी है जिससे सब कुछ कटता है। तो सिंपल करने की चीज़ है कि क्लियर योर क्लटर, जो बहुत सारी चीज़ें जमा की हुई हैं। सो दिस बिकेम माई फेवरेट ब्रश बिकॉज इससे ब्लेंडिंग ऐसी है कि आपको कंट्रोल रहता है। दिस इज़ स्टर्डी, दिस इज़ शॉर्ट, तो ये नहीं है कि वो फ्लिम्जी ब्रश जा रहा है। इट्स डेंसली पैक्ड, तो उसमें बिल्कुल वो स्ट्रीकी नहीं होता। इसमें हर प्रोडक्ट जो है, वेदर इट्स क्रीमी और ड्राई और पाउडर और ग्लॉसी और लिक्विड, यू कैन यूज़ वन। सो यू नो आई एम यूजिंग लेस प्रोडक्ट्स फॉर मोर यूज़ एंड ईजी यूज़। वाओ, यहाँ पे वो सारे लोग अब जो कहते थे ना कि भाई हमें समझ नहीं आता 20 ब्रशेस किस काम के होते हैं, तो आपको वैलिडेशन मिल जाएगी। मैं सोचती थी शायद मैं डम्ब हूँ, मुझे समझ नहीं आता इतने ब्रशेस की ज़रूरत क्या है। सो वेल, सोल्यूशन है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, कि जो कम चीज़ों से ज़्यादा जो है वो यू नो रिजल्ट चाहते हैं, उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम मॉडल्स पे आपको एक ऐसा भी लुक करके दिखाएंगे जिसमें आधा जो है वो 0 palette हम यूज़ करके दिखाएंगे कि क्या उसका फ़र्क हुआ है 0 makeup palette से और क्या जो है वो पहले था। जल्दी से ब्रेक से वापस आएंगे।
वेलकम बैक, आ चुके हैं ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी जो जीरो लिक्विड है वो क्या है, उस बेस से क्या कवरेज ज्यादा है, ये मैं नबीला से पूछूंगी। एंड इसके साथ साथ हमारे मॉडल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ हैं एल्सा, मलीना, नोवेरा और हैदर, और सबके फेसेस पे हम आपको उनकी जो शेड है स्किन का उसके हिसाब से हम हाफ करके दिखाएंगे। साथ साथ इससे पहले कि हम बढ़ें आगे शो की जाने, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप जीरो मेकअप डॉट कॉम से परचेज करते हैं कोई भी चीज़ तो आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑन दी इंटायर रेंज। लेकिन अगर आप जीरो मेकअप पैलेट जो है वो ख़रीदते हैं तो आपको मिलेगी ब्लेंडिंग ब्रश वाली एक चीज़, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया था ब्लेंडिंग ब्रश, वो बिल्कुल फ्री। अच्छा, और ये आज के लिए है। सो नबीला, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरा ये दिखाइए कि जो जीरो लिक्विड है व्हाट इज दिस। ओके, मैं आपसे रेंज की बात कर रही थी तो इसके बाद इसकी जो कवरेज है उसके बाद हमें एक थिकर कवरेज और क्विकर एंड इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट चाहिए था, जिसके लिए हमने पेन बनाया एंड इट वर्क्स लाइक अ वेरी गुड कंसीलर एंड इट्स यूनिसेक्स। फिर उसके बाद में जब ब्राइडल सीजन शुरू हुआ तो हमारे ही जो इन हाउस इतने मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं, हमें लिक्विड फाउंडेशन चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने रिसर्च की और एक हाई कवरेज, मीडियम टू हाई कवरेज की हमने प्रोडक्ट बनाई है एंड इट इज़ सून टू बी लॉन्च्ड। ये हम इसके बारे में अनाउंस अभी कर रहे हैं, बट यू कांट परचेज इट येट, इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ वीक्स दिस विल बी आउट ऑन zeromakeup.com। बट इट्स अ ब्यूटिफुल कवरेज and it looks beautiful, dewy, shiny. ये काफ़ी गोरे रंग का है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। एंड इट्स इन एन एयरलेस बॉटल, जो हमने ऑक्सीडाइजिंग की बात की थी कि ये एयरलेस होने की वजह से देर इज़ नो कॉन्टैक्ट विद एयर। ओके, सो थिक टू मीडियम कवरेज बट dewy, ब्यूटिफुल फिनिश विच doesn't लुक लाइक फेक एंड पैची, और यू नो इसकी फ्रेश भी लगती है स्किन, ब्राइटनिंग भी है, सम हाउ टाइटनिंग भी है, ग्लॉसी भी है, इवन भी है, होमोजेनाइज्ड, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये इसकी भी बड़े मज़े की बात जो मुझे लगी है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि ये ना वेरी इजी टू कैरी भी है। इसका अगर आप साइज़ देखें, यूजुअली जब हम लिक्विड बेस की बात करते हैं जो मैंने देखी वो हम बड़ी बड़ी होती हैं या बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पूरी बॉटल पे ग्लास होता है। तो आई लाइक कि अगर आप इमेजिन करें कि आपकी एक मेकअप किट है और वो जो मेकअप किट है उसमें आपने ये रखा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स इमेजिन, इसको मैं बंद करके इसलिए दिखाती हूँ कि फॉर इंस्टेंस ये रखा है और जो एक पेन भी रखा है, तो अब इतनी सी जगह में आपके सारे फिनिशेस हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आप साइज देखें अपनी मेकअप किट का, इसको आप लिटरली अगर कोई बड़ा बैग लेते हैं उसमें भी रख सकते हैं। अगर आप कोई क्रॉस बॉडी बैग लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो यू नो उनको होता है कि भाई बैग में उतनी ही चीजें हो जितनी की जरूरत है, तो आई थिंक यू कैन, एंड इट्स नॉट एक्चुअली हैवी व्हिच इज द बेस्ट थिंग। मुझे लग रहा है ये बेहतरीन चीज है उन लोगों के लिए जो ऑन द गो होते हैं, यू नो कहीं भी बैठ के जो है मेकअप कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी सोसाइटी में वैसे तो हम कहते हैं ना कि भाई खवातीन को ड्राइविंग आनी चाहिए, जिन खवातीन को ड्राइविंग नहीं आती और साथ में कोई और ड्राइव कर रहा होता है, जब तक आप ये काम कर सकते हैं फेस करेक्शन का, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या पूछना चाहेंगी नबीला से? जी, नबीला से मैं बात करना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली मेरे फेस पे मोल्स हैं और वो मोल्स हैं वो थोड़े से उभरे हुए भी हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट मैं यूज कर सकती हूँ कि वो जब मैं उसको मेकअप अप्लाई करूँ फेस पे तो वो छुप जाए? अच्छा नबीला, क्या ऐसा कोई मैजिक है कि कोई एक जो है वो उभरी हुई चीज क्या छुप सकती है कलर, और क्या आप एडवाइस करेंगी कि मोल को कवर कर देना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन योर्स। देखें, जो दबी हुई चीज़ है उसको कवर करना आसान है, जो उभरी हुई चीज़ है उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। और मोल्स का तो आजकल फैशन है, लोग ड्रॉ भी करते हैं, सुपर मॉडल्स हैं जिनके मोल होते हैं, जिसके वजह से वो फेमस भी हुए हैं। तो अगर आपको बॉदर करता है तो आप इसको एक डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा के बहुत ईजिली लेज़र के थ्रू रिमूव करा सकते हैं, अगर आपको बॉदर करता है। अगर बॉदर नहीं करता तो आप उसको प्राउडली ओन करें और शो ऑफ करें। फाउंडेशन से कवर तो हो जाएगा लेकिन वो अजीब सा लगेगा कि एक उभरा हुआ यू नो स्किन का पार्ट है। सो आई डोंट सजेस्ट यू कवर इट, आई थिंक रिमूव इट
और एम्ब्रेस इट. बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छा समराइज तरीके से उन्होंने बता दिया. और पता है उस पर अगर आप बेस भी लगाएंगे वो और अगर आपको एक मोल बुरा लग रहा है तो आई एम श्योर उससे ज़्यादा वो बुरा लगेगा. और लेज़र मैंने अपना किसी मोल का करवाया था, वो सो ईजी, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, तकलीफ नहीं होती, दो मिनट में जो है वो हो जाता है काम. और इसके साथ साथ डी जी खान से भी हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं. परीशे, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, क्या है? ठीक ठाक. बिल्कुल ठीक ठाक. इतनी दूर से आपने कॉल की है, क्या पूछना चाहेंगी नबीला से? मैम मेरा बहुत बड़ा मसला है ओपन पोर्स का और मुझे ये पता करना था कि क्या मेरे इनसे ओपन पोर्स कवर हो जाएंगे. दूसरा मुझे ये पता करना था कि डी जी खान में और डी आई खान में इनकी रेंज है और किस मतलब प्राइस में है. और मेरी एज जो है 33 ईयर्स है. ठीक है, अभी आपको सारे सवालों का जवाब दे देती है. सबसे पहले तो ये बताएगा नबीला कि अगर पोर्स हैं किसी के सो अगर रिजीम बताना चाहें रिजीम बता दें, मेकअप का उस पर कितना इम्पैक्ट आ सकता है? रिजीम पे मैं जाऊंगी कि पोर्स क्यों हैं, स्पेशली यंग एज है, 33 इज अ वेरी यंग एज, तो उसके जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ लोग घर में आइस रब करते हैं पोर्स बंद करने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, कुछ प्राइमर्स हैं जो पोर्स को फिल करते हैं फाउंडेशन लगाने से पहले, और आजकल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप फोम टाइप की चीज़ है वो लगाएं तो उससे पोर्स श्रिंक हो जाते हैं. तो बहुत सारे पोर्स श्रिंकिंग तरीके हैं, यू कैन चूज़ वन दैट सूट्स यू. एंड प्राइमर से तो हो ही जाते हैं, एंड ऑल्सो हमारे जो फाउंडेशन है उससे भी इट फिल्स द पोर्स. सो यू नो देर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस. हम लकी हैं टू बी एजिंग एट अ टाइम वेयर साइंस इज सो एडवांस्ड और हमारे हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है. प्लीज़ रिसर्च एंड फाइंड समथिंग दैट सूट्स यू. बिल्कुल एब्सोल्युटली. अच्छा, इनका जो दूसरा सवाल था कि डी जी खान से इनकी कॉल आई थी, आपने हमें बताया भी था कि पंजाब तक जाने वाली है आपकी ये रेंज, तो अगर वो आप बताएं कि कोई चांस है कि उनको जो है वो. बिल्कुल, आप zeromakeup.com पर ऑर्डर करें और 48 घंटे के अंदर लेटेस्ट आपके घर पे ये चीज़ डिलीवर हो सकती है. सो इट्स द ईजीएस्ट एवरीवेयर इन पाकिस्तान. वी ऑल्सो डिलीवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इट टेक्स अबाउट अ वीक. सो इट्स अवेलेबल ऑन zeromakeup.com. ठीक है. अच्छा, प्राइस रेंज जो आपने पूछी थी ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी सिंस हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप zeromakeup.com पे जाइए, प्राइस वहाँ पे देखिए, 20% ऑफ आप आज अवेल कर सकती हैं. अगर आप आज लेंगी जीरो मेकअप पैलेट आज के दिन में तो आपको फ्री मिलेगा ब्लेंडिंग ब्रश. और मैं आपको कोड भी बता देती हूं, जो हमारा कोड है दैट इज 0 × यानी कि एक्स मसाला, ये कोड है. अच्छा, अब हम आएंगे जरा मॉडल्स की जानिब. हमारे पास 4 डिफरेंट मॉडल्स हैं और सबके जो स्किन कॉम्प्लेक्शन हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से. सो अगर हम स्टार्ट करें यहां पर एल्सा से, तो एल्सा पे हम कौन सी वाली पैलेट यूज कर रहे हैं नबीला, एंड हाउ? ओके, सो एल्सा इज प्रॉब्ली द फेयरेस्ट इन आर रेंज, जो कि पर्ल और पोर्सलिन के बीच में आती है कहीं. ठीक है. सो बल्कि बड़ी फनी स्टोरी है कि एल्सा इज ऑल्सो माई नीस. ओके, सो जब हम पंजाब में, मुझे फील हुआ कि मुझे गोरा रंग नहीं मिल रहा, तो एक दिन स्कूल से मैंने उसको बुलाया कि प्लीज़ कम, आई नीड टू मैच योर स्किन, क्योंकि इस रंग के हमारे पास जो है ना सबसे गोरे लोग होते हैं. माशाल्लाह, शी इज़ ब्यूटिफुल एंड पोर्सलिन इज़ मेड फॉर हर कॉम्प्लेक्शन. देन वी हैव मलीना हु इज़ लाइक एन आइवरी एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ आर जिंक मॉडल्स, वेरी फेमस दीज डेज. एंड देन वी हैव नवेरा हु इज़ ऑल्सो न्यूली जॉइंड अस एज जिंक मॉडल. Nice. And beautiful complexion. Absolutely. अक्सर जो है हमारे मुल्क में इस कॉम्प्लेक्शन को एम्ब्रेस नहीं करते, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इवन रिच डीप कॉम्प्लेक्शन कैन बी सो ब्यूटिफुल इफ़ यू अपनाएं आप उसको. आप उसको यू नो अपोलोजाइज ना करें, आप उसको अपनाएं. बिल्कुल. एंड वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट ऑफ आर्स. हैदर इज अ वेरी फेमस टिकटॉकर. आई थिंक ही कैन बी अ हीरो सून. बोलते भी बड़ा अच्छा है और माशाल्लाह से बड़े फीचर्स भी अच्छे हैं. एंड बिकॉज ही इज़ आउटडोर्स अलॉट, ही प्लेज फुटबॉल एट्सेट्रा, तो इतनी खूबसूरत उनकी स्किन है, लेकिन उन्होंने इसको काफ़ी सन डैमेज किया हुआ है. इफ़ यू सी के ये छाइयाँ भी हैं और डार्क सर्कल्स भी हैं थोड़े बहुत. ठीक है. तो इसमें हम ब्लरिंग पेन यूज करने वाले हैं. जी, मतलब लड़कों के लिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये पार्ट ज़्यादा इनका ट्रिकी है, क्योंकि दिस इज़ पिगमेंट्स ब्लरिंग पेन, सॉरी फाउंडेशन. अच्छा, यहाँ पे इनका ब्लरिंग पेन लगा रहे हैं हैदर, जो कि टिकटॉकर हैं. अब और ज़्यादा जो है ना वो आई थिंक ये पेन हैदर अपने पास रखने वाले हैं. एंड
और स्ले करने वाले हैं टिकटॉक की वीडियोस में। अच्छा जी, यहाँ पे ब्लरिंग पेन यूज़ हो रहा है और मैं आपको जब तक बात बताना चाहती हूँ कि देखें जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन होता है, जैसे भी नबीला ने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इट इज़ कॉल्ड रिच, और ज़्यादा रिच कॉम्प्लेक्शन है या कम रिच कॉम्प्लेक्शन है। और हमारे यहाँ एक चीज़ है कि भाई ओहो गोरा गोरा गोरा, मैं आपको बताऊँ पूरी दुनिया इस तरफ आ रही है कि ब्राउन एंड ब्यूटिफुल, और हम अभी तक वहीं अटके हुए हैं कि ब्राउन बट ब्यूटिफुल। तो ज़रा सा जो अगर आप देखें हमारे जो फीचर्स हैं, अगर आप कभी भी कोई स्क्रीन पर देखें तो और ज़्यादा यू नो पुरकशिश नज़र आते हैं आप। बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो बाकायदा टैन करवाया जाता है। सो इस चीज़ से निकलने का ना अब टाइम आ चुका है जी। अच्छा, यहाँ पे ब्लरिंग पेन इस्तेमाल हो रहा है हैदर पे, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई सवाल अगर नबीला से करना चाहते हैं स्किन से मुतालिक, बेस से मुतालिक, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये हाफ फेस पे इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बिफोर एंड आफ्टर, और इनका अभी हमने सिर्फ हल्का सा ये कवर किया है, एंड आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कैमरे में कि नहीं, कि हल्की सी इधर छाइयां हैं, इधर ज्यादा थी, और बिल्कुल डिटेक्टेबल नहीं है कि मेकअप किया हुआ है। अब ये अपने उंगली से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं और ब्लेंडिंग ब्रश से भी कर सकते हैं, whichever he likes, and it's a very discreet pen जो आराम से इनके पॉकेट में हो, ब्रीफ केस में हो, बैग में हो। नाइस। यहाँ पे आपने देखा हैदर बिफोर एंड आफ्टर, एंड ब्रेक में डोंट वरी, हम जो है वो पूरा फेस हो सकता है कवर कर दे, सो दैट हैदर जो है वो थोड़ा दोबारा से वो एक टिकटॉकर वाली कॉन्फिडेंस आ जाए। ब्रेक पे जाने का टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जो हमारी बाकी तीनों मॉडल्स हैं उन पर भी हम आपको हाफ फेस करके दिखाएंगे। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर मेकअप से पूरा फेस नो वो भरा हुआ ना भी हो तो भी आप अपना ही एक और ज़्यादा प्यारा वर्जन लग सकते हैं विद जीरो मेकअप पैलेट। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो नबीला चेंजेस, और यहाँ पर जो नोवेरा हैं उनका हाफ फेस जो जीरो मेकअप पैलेट से यहाँ पे काम हुआ है, चेंज हुआ है, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग, ये भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो हमारी ऑडियंस का कॉलर का सवाल भी था कि प्राइस, उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर मैं चाहूँगी कि पहले यहाँ पे ज़रा हम नोवेरा को जो है वो जूम करें और दिखाएँ कि इनकी जो राइट साइड है उस पर जीरो मेकअप पैलेट से पूरी वो कवर हुई है। सो नबीला, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, उनके फीचर्स और ज्यादा एनहांस हो गए हैं। बिल्कुल, जब आप ये देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल नेचुरल है। आप भूल जाते हैं कि पहले कैसे थी स्किन, फिर जब ये देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी कवरेज है, एंड स्टिल इट लुक्स सो नेचुरल, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जीरो मेकअप। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे आके एक चीज इसमें ऑब्जर्व करना चाहूँ कि इसमें जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस मुझे फील हो रहा है ना, वो ये है कि जैसे हमारे सारे कॉलर्स के सवाल भी था कि नो स्किन शाइन शाइन, तो ये एक्चुअल शाइन बढ़ी है स्किन की। जी जी, बजाय इसके कि कोई कुछ ऐसा हो जाए कि उसमें वो हजार किस्म के कलर्स लगे हुए हैं, स्किन स्किन ही लग रही है अपनी, बट विद मोर शाइन। बिल्कुल, वाओ, बिल्कुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसके बाद हमारे साथ हैं मलीना। मलीना का हमने हाफ फेस किया है, यू कैन सी कि इनका भी राइट साइड पे जीरो मेकअप पैलेट जो है वो यूज हुई है,
And it's beautiful. Her skin is lovely. This is our ivory color. Navera is our honey and caramel color. और यहाँ पे बिल्कुल लगता है कि natural है. Even the lip color, dark circles, blush, everything. But when you see this, it's still very beautiful. But you're seeing थोड़े बहुत dark circles हैं, थोड़े freckles हैं, थोड़ी सी pigments हैं इधर. But वो बिल्कुल even out हो जाते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. And then we have Elsa. Elsa का हम देखते हैं. अच्छा, Elsa has beautiful skin again, very fair, very beautiful porcelain even. और यहाँ पे बिल्कुल natural लग रहा है. But if you see her other side, she's a student and she's studying at night. And you know, इनके थोड़े से dark circles हैं, थोड़ी सी इधर pigment है. Everyone needs a little bit of enhancement. बिल्कुल. और वो थोड़ी सी जो enhancement है is enough. The whole point is don't go overboard, know when to stop. Absolutely. अच्छा, ये जो नबीला ने शुरू में भी कहा था शो के कि हमारी स्किन जो है वो इवन जब नहीं होती, हम कहीं भी जाते हैं जब किसी भी सर्विस के लिए, और जब कहते हैं ना इवन नहीं है, तो हमें लगता है सिर्फ हम है. सिर्फ हम नहीं है, ये हमारे जैसे, आपने जैसे कहा था कि हमारी जो यू नो स्किन सब कॉन्टिनेंट का इशू है, ये सब कॉन्टिनेंट का इशू है. और इसी को फिक्स करने के लिए, इस आप ही के फेस को आपके फेस जैसा ही रख के इन्हांस करने के लिए ही है जीरो मेकअप किट. हमारे साथ कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. कौन है हमारे साथ? मैं उमारा बात कर रही हूँ लाहौर से. मायरा, क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं नबीला से बात करना चाहूँगी. अस्सलाम वालेकुम नबीला. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. अच्छा नबीला, मैं आपसे अपने स्किन टोन के हिसाब से बेस का पूछना चाह रही थी, कलर का. बेसिकली नॉर्मली मैं आईटी यूज करती हूँ, लेकिन अब मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन भी है, पैची थोड़ी सी है चीक से, और मुझे रोजेशिया का मसला है, एक्नी रोजेशिया, जिससे मेरे ना चीक्स थोड़े रेडिश साइड पे रहते हैं. उसके लिए मैं लेजर का ट्रीटमेंट लेती हूँ, क्योंकि वहीं से मेरी जो बेस है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, रेस्ट मेरी स्किन ठीक रहती है. तो आप मुझे अपनी बेस का जीरो मेकअप का कोई बता दें शेड एग्जैक्ट, के मेरा स्किन पे कैसा रहेगा. फेयर स्किन है मेरी वैसे. फेयर स्किन है. अच्छा, एक चीज बता दीजिएगा, एक्नी अभी एक्टिव है या स्कार्स हैं? स्कार्स ज्यादा है, एक्नी थोड़ी थोड़ी, कहीं कहीं पिंपल्स एक आधा हो जाता है. okay. और पोर्स भी मेरे ओपन है काफी. ठीक है, नबीला कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल. सो आप जो कह रही हैं कि आपकी आइवरी पैलेट आप यूज करती हैं, लेकिन आजकल जो है वो रोजेशिया ज्यादा है, तो रोजेशिया मीन्स पिंक, उसको कट करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा येलो ज्यादा चाहिए. तो आई वुड से कि आप एक शेड लाइटर भी ले सकती हैं. जैसे अगर आप पर्ल का कंसीलर लेंगी तो उसमें येलो ज्यादा है और उसकी कवरेज भी थिक है. तो अगर कुछ अरसे के लिए आप चाहें तो आप पर्ल का कंसीलर एस जीरो का फाउंडेशन यूज कर सकती हैं. ओके, तो ये सब सेपरेट मिल जाएगा या मुझे एक ही किट बाय करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा मुझे जी. अभी अगर आप आइवरी यूज कर रही हैं तो आई अज्यूम कि आपके पास ये आइवरी किट है, लेकिन अगर आप एक पर्ल भी ले लें तो इसका जो कंसीलर है वो आपके रोजेशिया को बेहतर कवर करेगा. एंड अगेन विद पाउडर एंड यू नो विद अ थिकर कवरेज इट विल कलर. सो आई थिंक यू कैन रेंज बिटवीन आइवरी एंड पर्ल इफ यू आर फेयर कॉम्प्लेक्शन. एंड ऑल्सो आपके लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा प्रोडक्ट, वो जीरो लिक्विड फाउंडेशन जो अभी लॉन्च होने वाला है, उसमें आप आइवरी ही लें, बिकॉज इट्स अ लिटिल लाइटर, सो इट विल सर्व एज आइवरी एंड एज पर्ल. जवाब मिल गया. सवाल भी आपका रिलेटेड ही था, दैट्स व्हाई आल्सो. अच्छा नबीला, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अब किट है, जैसे हमारी कॉलर का भी सवाल था कि इसकी प्राइस अगर हम देखें तो ये 5000 की रेंज में है. 6900 है इसकी फुल प्राइस, लेकिन काफ़ी प्लेटफॉर्म से आपको इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा होता है. जैसे आज आपके प्लेटफॉर्म से, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से भी कुछ डिस्काउंट है, तो अगर आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करें या कॉल करके पूछ लें सो यू विल फाइंड आउट वेयर यू विल गेट द डिस्काउंट फ्रॉम. अक्सर कहा जाता है कि तो बहुत महंगा है. बिल्कुल. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप देखें, मेरी जो फ्रेंड्स है ना, मुझे बड़ा डांटती हैं, कहती हैं हमारा इतना महंगा मेकअप हम पूरी दुनिया से खरीद के लाए हैं, वो सब बकवास हो गया, क्योंकि हम सिर्फ ये यूज करते हैं, तुमने हमारा नुकसान करा दिया. मैंने कहा आप बताएं ये नुकसान था कि फायदा था, क्योंकि अब आप इतने महंगे मेकअप नहीं खरीदेंगे. लेट्स से 6 या 7 हजार में आपके पास पूरा मेकअप, आपके पास 5 चीजें हैं और एक किट है जो आप अपना, आपको और कुछ चाहिए ही नहीं. एंड देन अगेन इफ यू फाइंड दिस एक्सपेंसिव, आई थिंक दिस इज 3500, जिससे आपका कंसीलर का काम हो जाता है, कंसीलर एंड फाउंडेशन का काम हो जाता है.
अच्छा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप zeromakeup.com पर जाकर 20% ऑफ ऑन दी एंटायर रेंज अवेल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप आज की तारीख में ही खरीदते हैं जीरो मेकअप पैलेट तो आपको ये ब्लेंडिंग ब्रश बिल्कुल फ्री मिलेगा वो. अच्छा अब नबीला एक कॉमन सेंस की बात है कि देखें अगर आपने कहा कि इसमें 5-in-1 वाली चीज़ है राइट, तो अगर हम कंसीलर खरीदते हैं तो यूजुअली आजकल मैंने देखा है काफ़ी लोग कंसीलर की जगह वो एक स्टिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं राइट, तो अगर कम से कम एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ है और वो आपने किसी ऐसी मार्केट से नहीं ली जहाँ पे कॉपी मिलती है, कम से कम 2000, एंड ये मैं कम से कम कह रही हूँ बिकॉज़ वो टैक्सेस, आई वुड से 3000 क्योंकि हर चीज बहुत इन्फ्लेट हो गई है, तो अभी तीन प्रोडक्ट आप अगर 5 products × 3 कर लें तो 15000 हो गया ना बिल्कुल. और अगर लिपस्टिक भी हम देखें ना कि हमारा जो बिल्कुल एक डिसेंट वाला ब्रांड होता है, कल नबीला ने इस तरह के नाम भी लिए थे, वही अगर आप एक डिसेंट सी अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक लेते हैं आराम से आपको 1300-1500 की या मैक्स अगर सेल पे लगी कि 1000 rupees की एक लिपस्टिक मिलती है. सो अगर आप इसको जरा यू नो सेंसिबली सोचें तो 5 चीज़ें एक पैलेट में हैं और प्राइस उसकी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वो 5 चीज़ें अलहदा. और इसमें ये भी होता है कि ब्लश मैंने अक्सर देखा है, ब्लश किट जब भी किसी के पास होती है देयर शेड्स, बट एक ब्लश कम हुआ हुआ इसलिए होता है बिकॉज वो एक ही इस्तेमाल हो रहा होता है एक किस्म के फेस. बिल्कुल बिल्कुल. तो आजकल जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं स्पेशली हॉलीवुड में, तो वो कहते हैं जी 35 colors हैं, 66 colors हैं. मैं कहती हूँ क्यों क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हैं. और अभी एक साहब ने 35 जो लॉन्च किए हैं वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये 4-5 जो हैं वो आपके कलर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं. मेरा सवाल ये, जब मुझे 5 आप दे रहे हैं और कह रहे हैं एक मेरा कलर है तो मुझे एक क्यों नहीं दे रहे हैं, 5 क्यों दे रहे हैं, मुझे कन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हैं. सो वी एट जीरो मेकअप से दैट वी हैव टेकन द गेस वर्क आउट, आई हैव मेड दिस इडियट प्रूफ. आप सिर्फ मैच करके अपना पैकेट उठाएं, नहीं पता तो हमें तस्वीर भेजें, हम आपको बताएंगे कौन सा, फिर आप आंख बंद करके यूज करें एंड यू लुक परफेक्ट. एब्सोल्युटली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मैं अब ब्रांड का नाम नहीं ले सकती बट एक बार मैं एक मॉल गई और मुझे था कि आज मैं अपनी शेड की बेस लेके रहूंगी. यू नो देयर आर द टाइम्स की जीन्स और बेस आपको बहुत मुश्किल से मिलती है अपने हिसाब से. और क्या हुआ कि उन्होंने मुझे इतने सारे शेड्स दिखाए, आधा मैंने यहाँ एक यहाँ लगाया हुआ था, एक यहाँ लगाया हुआ था, एक यहाँ लगाया हुआ था, एंड मैंने कहा अच्छा मैं 2 घंटे के बाद देखूंगी, एंड 2 घंटे के बाद वो सब ऑक्सीडाइज हो गया था. लाइक इतने से मैं क्या खरीदूँ, वैसे ही मैं इतनी कन्फ्यूज थी. बट एनी वे सो द पॉइंट बींग इस पैलेट को आप अगर पिक्चर आप खींच के भेजेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कौन सी वाली पैलेट आपके लिए है. कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं. सायरा है गुजरात से. हेलो सायरा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक सायरा, क्या पूछना चाहेंगी नबीला से? जी एक तो आपको अप्रिसिएट करना था कि माशाल्लाह आपने बिल्कुल ही क्वाइट डिफरेंट टाइप का एक शो जो है ना उसको स्टार्ट लिया है, और अपनी पर्सनैलिटी के साथ जैसे आपने लिया, ये तो कोई अब सारी बच्चियां अगर इसको अडॉप्ट कर लें तो ये बहुत ही अच्छी बात है. और जहाँ तक हमारी मैम की बात है तो इन जैसा तो कोई है ही नहीं. हम कहते हैं कि अगर एक बच्ची की ग्रूमिंग की बात करें तो इनसे 4 lessons ले ले तो पूरी जिंदगी उसकी बन जाएगी. बिल्कुल. इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की, और मैं बताऊं कि मैं इनको कब से फॉलो कर रही हूँ, जब मैग में इनके इंटरव्यूज आते थे और वेरी फर्स्ट टाइम हमारे फादर ने हमारे लिए इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए मैग का जो लगवाया था मैगजीन, तो मैं तब से इनको फॉलो कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट हर फॉर द लास्ट कहने की 20 years, बट नो वे. देन फाइनली आई हैव ट्राइड, आई एम ट्राइंग फॉर द लास्ट 1 hour कि मेरी आपसे कॉल भी मिल जाए, तो वो फाइनली मिल गई. तो मैम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करनी थी कि मैं बहुत सारी जगहों से चेक कर रही हूँ कि आपके जैसा कोर्स जो है ना वो दिया जाए. आपने शायद एक दफ़ा किसी अपने इंटरव्यू में कहा था हुनर के साथ काम कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि किसी तरह बेशक वो ऑनलाइन होए या फिर इन पर्सन हो, जैसे भी हो, आप एक कोर्स प्लीज़ ज़रूर अनाउंस करें. जी ठीक है. और अगर आप चाहेंगी तो मैं अपने सिटी में अपनी बिल्डिंग देख के भी आपको कहूँगी कि प्लीज़ यहाँ बच्चियों को ये कोर्स ज़रूर दें. इतनी तो आपकी बिल्कुल हार्ड कोर फैन है भाई. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. नबीला आपने वर्कशॉप्स इस तरह से अपनी करने का कुछ प्लान किया है?
जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने इतने अच्छे वर्ड्स कहे मेरे लिए, एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी एंड अप्रिशिएटिंग ऑल वी डू. एब्सोल्युटली हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म ही एक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इतने लोग जो आए हैं उनकी जो लाइफ आप देखें कि कैसे चेंज हुई है, कैसे हम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप किस ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हैं. मैं कहती हूँ जिसको शौक़ है मैं आपको सिखाऊँगी, और हमारे पास जो है हर डिफरेंट कम्युनिटी से, क्लासेस से इंक्लूसिव हमारा माहौल है, और हम डट के सिखाते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं कि ये सीख जाएगा तो मेरा क्या होगा, बिकॉज आई फील के हम इतने सिक्योर हैं कि गॉड गिव्स अस मोर एंड मोर. तो बिल्कुल पे बैक टाइम है मेरे लिए. आई वर्क वेरी क्लोजली विद हुनर फाउंडेशन, वी हैव क्रिएटेड अ होल करिकुलम विद देम टू एजुकेट पीपल जो बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में और बहुत कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं उसमें. एंड रिसेंटली वी हैव डन द सेम विद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम ले सकते हैं? नहीं, आप ले सकती हैं, मैं नहीं ले सकती. लॉरियल एकेडमी जो है वो भी इसी तरह से खुल रही है, वो भी बिल्कुल नॉन फॉर प्रॉफिट है. एंड आप ज़रा रिसर्च करें, यू कैन DM अस, हमारे यूट्यूब के भी चैनल्स हैं, उसमें आप अपना केस भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल, कॉल अस, वी आर वेरी वेरी आई मीन nabila_salon is our Instagram, और nabila.net is our website. तो आपको हमारी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी, एंड हमसे आप सवाल करें, हम आपको गाइड करेंगे एब्सोल्युटली. एंड सॉरी कि आपको मैं 20 साल से मिली नहीं, आई डोंट थिंक यू आर लुकिंग इन द राइट प्लेस. फाइनली जो है वो कॉल उनकी मिल गई थी, खुश हो रही थी. हमारे पास जो है वो ब्रेक पे जाने का टाइम है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं इसी किट पे हम आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे. नो कोई भी सवाल अगर आपका हो तो आप दे सकते हैं, बिकॉज जितना आप इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करेंगे उतना ही चांस है कि नबीला जब आपको इस तरह से यू नो वन ऑन वन बताएंगी, तो ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला. छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात. हम आप देख रहे हैं नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो. इससे पहले कि हम आगे की जाने बढ़ें, मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि अगर आप आज लेते हैं ज़ीरो मेकअप पैलेट, खरीदते हैं ऑनलाइन जाके zeromakeup.com पे, तो ना सिर्फ आपको 20% ऑफ मिलेगा जो कि इंटायर रेंज पे है, बल्कि आपको साथ में ब्लेंडिंग ब्रश भी फ्री मिलेगा. और ब्लेंडिंग ब्रश को ना ब्रेक में हाथ लगा के देख रही थी, सो सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है. और एक सॉफ्ट ब्रश अगर आपके पास हो ना तो आपको यू नो आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाती है. और नबीला आपने ये भी कहा था कि इस ब्रश में आपने कहा था कि अगर कुछ जैसे कुछ लिक्विड है तो भी लग सकता है, ड्राई भी लग सकता है, एंड आई थिंक पाउडर भी लग सकता है. पाउडर भी लग सकता है, वाओ. अच्छा मुझे नबीला अब एक बात ये बताइएगा कि आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, एंड इसी फील्ड में आपकी पूरी जो है वो लॉयल्टी है, सारा काम है, रिसर्च है, सो वाई ओनली 6 मेकअप पैलेट्स एंड वाई नॉट 36? बिकॉज आई बिलीव इन लेस इज मोर. आई बिलीव कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस या नॉलेज का निचोड़ बना के आपको एक गोली दूं जिससे सोल्यूशन हो जाए, नहीं ये कि मैं आपको कंफ्यूज कर दूं. लाइक आई सेड बिफोर कि दिस इज इडियट प्रूफ, आई हैव डन द थिंकिंग फॉर यू. और एक चीज़ निकालने में बहुत टाइम, बहुत रिसर्च. अगर मैं 10 बना रही होती या 36 बना रही होती तो ज़्यादा आसान था, लेकिन एक बनाने में जिसको हम कहते हैं फॉरगिविंग कलर्स हैं, तो जो हमारा आइवरी है
है या हमारा पर्ल है या कैरेमल, कोई भी कलर आप लें, तो एटलीस्ट उस लेवल के जितने भी टोन्स हैं वो सब उसको यूज़ कर सकते हैं. बल्कि मेरा चैलेंज तो ये है कि जब हमने सून आफ्टर वी लॉन्च्ड दिस आई वेंट टू हॉलीवुड में भी ये यूज़ होने शुरू हो गया, तो उधर मुझे उन्होंने कहा कि जी हमें नॉर्वेजियन स्किन के लिए और अफ्रीकन स्किन के लिए भी चाहिए. सो वी हैव मेड वन मोर कलर विच वी हैवंट लॉन्च्ड इन पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड मोका विच इज़ फॉर अफ्रीकन स्किन. तो ये जो 7 कलर हैं उसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट कवर्ड हैं, वेदर इट्स नॉर्वेजियन ब्लॉन्ड और वेदर इट्स यू नो योर कश्मीरी वाइट और वेदर इट्स अफगानी कलर और वेदर इट्स श्रीलंकन और वेदर इट्स अफ्रीकन. तो इसके जो टोन्स हैं वी हैव मेड इट सिंपलर फॉर यू. आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई योर लाइफ एंड दैट्स हाउ माई मेकअप विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग मेकअप्स बिकॉज इट विल बी एन इंटेलिजेंट मेकअप, इट विल बी अ स्मार्ट मेकअप, इट विल बी अ गुड सोल्यूशन फॉर अ वेरी बिजी वुमन हु इज एक्सट्रीमली aware of herself and wants to look good. बिल्कुल, absolutely. अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एक होम मेकर, क्योंकि वो एक होम मेकर हैं और उनको घर में ज़्यादा टाइम मिलता है. आई नॉट सेइंग दैट शी इज़ फ्री, ऑफ कोर्स शी हैज़ अ बिलियन थिंग्स टू डू, बट अब मेकअप करेंगे एक साथ करेंगे. सो हमारे यहाँ मैंने नोट किया है नबीला, और ख़ासतौर पर इवन विद एज एंड विद ऑक्यूपेशन ये कॉन्सेप्ट है कि या तो बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, बिल्कुल मैसी हेयर होंगे, यू नो कोई पीजेज में होंगे, या फिर वही 2 घंटे वाला मेकअप होगा. सो आई थिंक विद दिस एंड विद द कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि भाई लेस इज मोर एंड कंसील कर लें, हल्की सी बेस कर लें, आप हर वक्त प्रेजेंटेबल रह सकते. बिल्कुल, चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप इतवार बाजार जा रहे हैं, चाहे आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, चाहे बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, चाहे आप नाश्ते पे बाहर आए हैं अपने कमरे से, व्हाई शुड यू नॉट लुक प्लेजेंट व्हेन यू कैन ओनली स्पेंड 1 मिनट ऑन इट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं तो खैर ऐसी हूँ कि मैं काफी लेजी हूँ, तो मैं जिस दिन ऐसे सोचती हूँ कि चलो ऐसे चले जाएंगे कोई नहीं देखा, उसी दिन सारे जानने वाले कहीं ना कहीं मिल रहे होते. सो ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल. कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं. अस्मा है कराची से. हेलो अस्मा, अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं, क्या कहना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हम ठीक है. और मैं नबीला से बात करना चाहती हूँ. बिल्कुल कीजिए जी. मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. जब पार्क टावर में इनका पार्लर था उस वक्त से मैं और मेरी बेटियाँ वहाँ जाती हैं. मेरी बेटी की शादी के दिन का भी मेकअप नबीला कैसे हुआ था. और अब मैं हेयर स्टाइलिस्ट, मेरी गुल और अंबर है नबीला में, बहुत अच्छा काम करती हैं वो भी. और मुझे नबीला के ये ग्लासेस का मुझे बहुत पूछना है, मैं सबसे पूछती हूँ. ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि एजिंग को इन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया हुआ है ना. फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ ग्लासेस आप कहाँ से लेती हैं, और ये आपके मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका स्टाइल और ये ग्लासेस का खास कर बहुत अच्छा लगता है. तो ये बताएंगे कि ये कहाँ से लेती हैं ग्लासेस, और कौन से हैं? ये बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है? अच्छा ठीक है, अभी बता देती है नबीला. नबीला जो आपके पास पूरी कलेक्शन है, पहले से बताए कितने ग्लासेस है आपके पास, कितने सन ग्लासेस आपके पास? बहुत है. अच्छा ये सन ग्लासेस नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि ये आपने क्यों पहने हुए. मैंने कहा आप बताएं, इसलिए कि मैं बहुत कूल हूँ या इसलिए कि मुझे दिखाई नहीं देता. एग्जैक्टली, यू नो. सो आई फील के हमारी जो भी कोई वीकनेस हो तो उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं. मेरी वीकनेस ये है कि मुझे हर वक्त क्लोज अप काम करना होता है, और मेरी करीब की और दूर की वो दोनों की आई साइट ख़राब है. तो मैंने ये प्रोग्रेसिव बनाए हुए हैं जिससे मुझे दूर का भी दिखता है, करीब का भी दिखता है, और मैं इसमें हल्का सा टिंट डलवा देती हूँ जो नीचे से क्लियर है. ठीक है, तो विच मीन्स थोड़ा सा आगे आके दिखा दीजिएगा जी. इसमें हल्का सा टिंट है जो ऊपर डार्क है, नीचे क्लियर है, यू नो. सो आई कैन वेयर दिस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एंड मेरी आई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, मुझे मेकअप करना पड़ता है ना लेंसेज लगाने पड़ते हैं. सो आई जस्ट वेयर दिस, एंड बिकॉज ये एक सिग्नेचर बन गया है तो मैंने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया. और मेरी बस अब मैं ज्वेलरी नहीं खरीदती, मैं सनग्लासेस खरीदती हूँ और उनका फिर पावर चेंज करवाती हूँ. वाओ, अच्छा ये बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये अगर आप एक होम मेकर भी हैं, सही है, और अगर आप यू नो कोई बिल्कुल सॉलिड्स पहने नबीला का, अगर आप कह रहे हैं आप इतने ज़्यादा जो है वो यू नो इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर, तो ये कर सकते हैं. बट हाँ, मॉर्निंग शो होस्ट नहीं कर सकती हम. बहुत सारी मॉर्निंग शो होस्ट की जो आई साइड है वो वीक है अगर हम ग्लासेस पहन के आ जाएंगे. सो यू नो जो उनकी प्रोफेशन को भी सूट कर रहा है, जो उनका सिग्नेचर बनेगा, तो उनकी पर्सनैलिटी के साथ भी जाएगा. शी इज़ डूइंग दैट. तो ये अच्छी अच्छी टिप्स आप शेयर करिए, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं आप किसी भी ऐसी चीज को जो कि यू नो नॉट वीकनेस बट थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो. अच्छा यहाँ पे नबीला, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रा आपसे पूछूँ कि ये जो नो मेकअप पैलेट यूज़ हुई है, जीरो मेकअप पैलेट जो यूज़ हुई है, इसमें
लिप्स के साथ आप कितना खेल सकते हैं? अगर आपको एक नेचुरल शेड चाहिए, नेचुरल कर लें, थोड़ा सा यू नो इन्हांस चाहिए तो इन्हांस कर लें, हाउ कैन यू गो अबाउट इट? देखिए, अगर आप देखें तीनों का कलर जो है, मैं कहूँगी कि लाइट, मीडियम एंड डीप या रिच. Yes, सही है? ठीक है. और तीनों के लिप कलर्स अलग हैं. तो उनके पैलेट में अगर हम दिखाएं कि पोर्सलेन के साथ काफ़ी लाइट लिप कलर है, बिल्कुल हल्का सा कलर है, क्योंकि इनके जो लिप्स का कलर होगा उसके लिए इतना काफ़ी है. ठीक है. अगर वो ये लगा लें तो ये बहुत डार्क है इनके लिए, यू नो. लेकिन इनकी चॉइस है. लेकिन यही चीज़ अगर हम कैरेमल पे देखें या नोवेरा पे देखें, तो अगर हम लाइट लगाएंगे तो वो दैट विल लुक ऑड. सो इनके स्किन के हिसाब से, इनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हमने एडजस्ट किया हुआ है. सो नाउ अगेन, लाइक आई सेड, यू कैन यूज दिस ऑन इट्स ओन, यू कैन मिक्स इट विद द blusher to make it a little more matte, a little more light, or you can add some foundation to make it more brick, you know, or lighter biscuit. So aap isi ke andar reh kar bahut khel sakte hain. And if you like, jaise kuch clients hamare karte hain ki agar unka ye color hai beach ka, to wo ek light le lete hain kyunki isse wo highlight karte hain, aur ek dark le lete hain kyunki isse wo contour karte hain. Is tarah se agar aap ivory hain aur aapne ye aur ye bhi liya, to aapke paas 6 lip colors और लाइट और डार्क कॉन्टूरिंग और हाइलाइटिंग भी हो गई. सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन डू दैट आल्सो. लेकिन मैं फिर कहूंगी कि फाउंडेशन जो है वो बहुत ज्यादा लाइट मत लगाएं, यू विल लुक ग्रे. एब्सोल्युटली. फाउंडेशन के अलावा ये सारे जो है वो आप इम्प्रोवाइज तरह कर सकते हैं. ब्रेक पर हम जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद फिर हम आपको थोड़ी सी और यहाँ पे जो है वो यू नो इसमें और अगर आपको कोई सवाल है वो सवाल लेंगे. और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर दो बहनें हो ना तो वो भी शायद एक दूसरे की किट्स पे जो यू नो ये लिप टिंट वाले कलर्स हैं वो आपस में शेयर कर सकती हैं. छोटी सी ब्रेक के बाद करते हैं आपसे फौरन मुलाकात इन नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो. चुके हैं हम ब्रेकफास्ट शो में, और नबीला जो है उन्होंने चेंज कर दिया है सबको एक जीरो मेकअप पैलेट से. अच्छा, यहाँ पर अब मैं हमारे पास मॉडल्स आ गए हैं. मैं जानना चाहती हूँ हर मॉडल से, मैं उनकी ऑक्यूपेशन भी आपको बताती हूँ. एल्सा जो है वो स्टूडेंट है. एल्सा, कभी अगर आपको इंटरव्यू पे जाना होता है या यू नो जिस तरह से आपके ऊपर ये पैलेट यूज हुई है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसे एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बिकॉज व्हेन यू नीड, जब आपको स्कूल जाना होता है, कभी कभी इंटरव्यूज़ पे जाना होता है, लाइक यू नो सोशल इवेंट्स पे जाना होता है, वेरी बिजी पैक डे होता है, तो ये एक पैलेट है जो आपको सुबह से लेकर रात तक कवर करता है. नेचुरल लगता है, यू लुक फ्रेश, यू लुक योर एज. तो यू डू लुक फ्रेश एंड यू डू लुक योर एज. बिल्कुल. मलीना, आप क्योंकि मॉडल हैं, यू नो आपको हर वक्त कभी भी कोई आपको देखेगा वो बोलेगा कि मैंने उन मॉडल को देखा था, यू नो वो ऐसी लग रही थी. सो कितना प्रेशर है, और इस मेकअप किट से आपको कितना फ़ायदा होगा? Actually, बहुत आसान है, because like you know, it takes a lot of stress off you when you want to go to social events and all. And I think like it's a pleasure that you have this in your society, and it's very light on the skin, so it doesn't really like you know affect your like skin that much, or pimples भी नहीं आते. So I think it's really useful. Nice. और मैं इतनी देर गौर से देख रही थी जब ये जवाब दे रही थी कि कहाँ पे मुझे कुछ foundation base दिख जाए लगी हुई, but वो समझ ही नहीं आ रहा, इतनी खूबसूरती से वो blend हुई हुई है. And Novera, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि since आपका जो complexion है, it's rich, it's beautiful, so इससे पहले जो shades आप choose करती थी, was it easy for you? It was very difficult. मुझे बहुत मुश्किल होती थी टू फाइंड द राइट शेड फॉर मी, बिकॉज इफ़ आई वुड यूज़ द रॉन्ग शेड, मे फेस पे लाइक ग्रे ग्रे होता था, लाइक ऐशी सा लुक आता था. बट व्हेन आई यूज जीरो मेकअप, इट चेंज्ड माय लाइफ. लाइक आई फाउंड माय शेड, लाइक फाइनली It made my life. Wow, अब आप चूंकि ये भी मॉडल हैं तो अब आप जो है आसानी से मॉडल कर सकते हैं. सिर्फ ये चेंज आया है कि ग्लो एक अमेजिंग किस्म का आ गया है फेस पे. अच्छा जी, और साथ में टिकटॉकर हैदर, भाई ये बताए टिकटॉकर्स पे जो एक वो प्रेशर होता है हर वक्त प्रेजेंटेबल लगना है, उसमें इस पैलेट ने आपको हेल्प किया है? बहुत ज्यादा हेल्प किया, और ये एक बहुत ऐसी चीज है कि आप जेब में लेके फिर सकते हो.
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप ये जेब में लेके फिर सकते हो और कहीं भी कॉन्फिडेंटली आप फिर सकते हो, मतलब फेस पे जल्दी से लगा लिया, एक मिनट के अंदर अंदर लगा के तैयार होके आप अपने आप को शो अप कर सकते हो। और मैं बॉयज़ को रिकमेंड करना चाहूँगा जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, जो बाहर फिरते हैं धूप में, वो होते हैं इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो कवर करता है इनके फेस को। आप लोगों ने देखा होगा मेरे फेस को पहले यहाँ पर कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, और आप देख सकते हो कितना क्लियर नज़र आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है ये, और मैं सब बॉयज़ को रिकमेंड करूँगा, मर्द हज़रात को भी रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को आप अपनी जेब में रखें, ज़रूर खरीदें और कॉन्फिडेंस से चलें, बाहर निकलें, और जितने भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं इस चीज़ को यूज़ करें, और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बड़ा अच्छा कि आपने कि आपने कहा जेब में रखें, आपने ये नहीं कहा कि अपनी बीवी के या अपने किसी फ्रेंड के जो है ना वो बैग में रखें, अपनी जेब में रखें, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका साइज भी ऐसा ही है ना नबीला। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये ट्रेनिंग ली थी जीरो मेकअप की, इसमें ट्रेनिंग में हमने कुछ पिक्चर्स भी जो है वो देखी हैं आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताइएगा। तो ज़ीरो मेकअप, जैसे मैंने कहा कि पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उसके बाद मुझे उसको डेवलप करना था प्रोफेशनली अपनी इनपुट देके। तो मैंने बहुत अच्छे लैब्स के साथ काम किया जर्मनी में, और लिटरली उनके साथ बैठ के मिक्स करके वो पूरे टेक्सचर्स बनाए, फिर कलर्स बनाए, फिर सारे स्किन टोन्स के रिसर्च करके अपने लाइट्स के अंदर उसको देख कर, हमने बड़ी इसकी रिसर्च एंड डिवेलपमेंट R&D करते हैं। एंड माई यंगर सन ज़ाकिर वर्क्स विद मी ऑन दिस। तो जो सारी कम्युनिकेशन है, डिज़ाइनिंग है, और उसको ब्रांड को एक्सटेंड कैसे करना है उसकी डिज़ाइनिंग है, कॉन्सेप्ट जो है, आई एम वेरी लकी टू हैव हिम वर्किंग वेरी क्लोजली विद मी ऑन ज़ीरो। सो इट्स ऑल इन द फैमिली, एंड सारा गिव्स मी, माई डॉटर इन लॉ, लॉट ऑफ फीडबैक। एंड हमारी जो इतनी बड़ी मेकअप की टीम है, वो हम उसको ट्राई करते हैं मॉडल्स पे, फैशन वीक्स पे, हम उसकी रिसर्च ये देखते हैं कि हमारे स्किन पे वो कैसे लग रहा है, लाइट में कैसे लग रहा है, कैमरे में कैसे लग रहा है, धूप में कैसे फेयर कर रहा है, बिफोर वी लॉन्च anything, and we try to make it as simple and foolproof as possible, ताकि जब तक आपके जेब में या हाथ में या बैग में ये प्रोडक्ट जाए, हमने सारी इस पर रिसर्च करके आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। बिल्कुल, जो कि इनके फेसिस पे दिखाई भी दे रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपसे इस तरह कनेक्ट होने चाहते हैं कि यू नो दे आर मॉडलिंग फॉर समवन। जिंक एक मॉडलिंग एजेंसी है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि किस तरह से कोलैबोरेशन पॉसिबल है फॉर एनी मॉडल। बिल्कुल, सो दीज आर आर जिंक फेसिस, जो जिसकी दिल चाहे वो एक्टिंग में जाए, जो एंडोर्स करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को वो कर सकते हैं, जो सिर्फ एडिटोरियल करना चाहते हैं या वो कैटवॉक करना चाहते हैं, तो वी गाइड यू, वी कोच यू, आप अपने पोर्टफोलियोज हमें भेजें और हम देखते हैं कि आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से हम आपको किस प्लेटफॉर्म पे वो कर सकते हैं प्रमोट। सो जिंक इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म जो हमें ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि माशाल्लाह से एक तो नीड हमारी मीडिया में नए फेसेस की बहुत है, और फिर हमारी जो यूथ है, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो कॉन्फिडेंट, दे वांट टू वर्क इन मीडिया, सो वी जस्ट मैरी द टू। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नबीला आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मॉडल्स का, एल्सा, मलीना, नोवेरा एंड हैदर, यू गाइस आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। इसके बाद जो है ना, आपने किसी ब्रंच का टाइम हो रहा है, लंच का टाइम हो रहा है, वहाँ पर आपने ज़रूर जाना है। अच्छा जी, अब जो है वो टाइम हो चुका है इजाजत चाहने का, लेकिन कल एक बहुत अमेजिंग काम होने वाला है। कल आप देखने वाले हैं मेक ओवर किसी ऐसे चेहरे का जिसको आप जानते हैं। एक तो मैं हूँ, दो और लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं, देखते हैं खास लुक के साथ, लेकिन उनका लुक चेंज करके दिखाएंगी नबीला आपको लाइव शो में, ये हम आपको कल ही बताएंगे, तो कल का शो जरूर देखिएगा। कल तक के लिए हम सबको, टीम नबीला को, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।